हेलो स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि लखनऊ में बेस्ड है, उन्होंने रिसेंटली एक एडवर्टीजमेंट इशू किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिया है और उन्होंने ग्रुप सी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एडवर्टाइज़ किया है और ये बम्पर रिक्रूटमेंट है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और जैसा कि इन्होंने लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्होंने इन्वाइट की हैं और डिटेल्स हम देखते हैं वैकेंसीज की नेक्स्ट स्क्रीन पर। ये पूरी एडवर्टीजमेंट हिंदी में है, मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट मैं आपको इसमें से जो मेन फीचर्स हैं मैं आपको बता सकूं। तो पहले देखिए वैकेंसीज, सीरियल नंबर 1, जो पोस्ट कोड है 26, पोस्ट का नाम जो है कार्यकारी सहायक कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इसमें टोटल पोस्ट हैं 1033, अनरिजर्व्ड हैं 416, 416 ईडब्ल्यूएस के लिए 103, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी 278, 278, अनुसूचित जाति 216, अनुसूचित जनजाति 20। और इसमें आवश्यकता के अनुसार ये वैकेंसीज कम या ज़्यादा हो सकती हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। उसके बाद है, उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित व के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी CBT, और अगर एक से ज़्यादा बैच में की तो वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। पे स्केल नीचे बॉटम पर एंड में आप देख रहे हैं, लेवल 4 है, 27,200 का ग्रेड है और उस पर जो अन्य भत्ते जो मिलते हैं वो कॉरपोरेशन के नियम के अनुसार होंगे। जनरल रिक्वायरमेंट्स में भारत का नागरिक होना या किस तरह का नागरिक उसके अलावा और अलाउड है वो दिया है उन्होंने। आयु देखिए नीचे लिखा है, 1/1/2022 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। मैं उन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र मांगे हैं, वो आपको जब ज़रूरत होगी तो देने होंगे। स्वस्थता प्रमाण पत्र भी नेचुरली हर अपॉइंटमेंट में चाहिए, वो भी होगी। उसके बाद वैवाहिक स्थिति के बारे में भी लिखा है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। देखते हैं असेंशियल रिक्वायरमेंट्स और उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अनिवार्य जो है, जो ज़रूरी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य। कोई इसमें फॉर्मल उन्होंने कंप्यूटर का कोई ऐसा नहीं मांगा, सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस स्पीड मांगी है टाइपिंग की। अब देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहला होगा लिखित एवं दक्षता परीक्षा। इसमें चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा, जो आपकी रिटर्न होगा और जो आपकी टाइपिंग होगी उसके हिसाब से चयन होगा। CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। पहले भाग में, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIE LIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग उन्होंने बता दी। और एक जो एग्ज़ाम होगा वो किस स्तर का होगा कंप्यूटर का, वो आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा लिखा उन्होंने, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा के में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, क्योंकि 50 में से आपको 20 कम से कम लेने हैं, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा।
या उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तीन नंबर पर है कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। ये भी आप नोट कर लीजिए। पहला भाग हमने देख लिया। द्वितीय भाग में क्या है? लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र का उन्होंने दे दिया है कि क्या क्या उसमें आएगा। सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट लेवल के आएगी और सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट लेवल की आएगी। प्रश्नों की संख्या उन्होंने बता रखी है और उसमें अधिकतम मार्क जो हैं वो भी आपको बताए गए हैं। और जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने अपनी तैयारी करनी है और साथ के साथ इसमें भी अगर वो भाग लेंगे तो उनकी एक एडेड एडवांटेज है उनके लिए। नेक्स्ट स्टेज देखिए, जो भी सेकंड स्टेज में सेकंड पार्ट की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। अब इसमें इन्होंने अंग्रेजी लिख तो दिया है। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम होनी चाहिए। एनी हाउ, उसके बाद अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी, अब इन्होंने शुरू में हिंदी व लिखा है, इसमें अंग्रेजी भी लिख दिया, हिंदी एवं अंग्रेजी 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकण की परीक्षा कृतिदेव फॉन्ट में या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर किए जाएंगे। ये भी आप नोट कर लीजिए। टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। अब ये दोनों इन्होंने इसमें लिंक कर दी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना इस बारे में। उसके बाद विशेष इन्होंने नीचे कुछ नोट दिए हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आयु में अनुमन्य छूट। जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको क्या क्या एज में रिलैक्सेशन है वो इसमें है, आप जिसको भी एप्लीकेबल है वो ध्यान से पढ़ लें उसको। इस स्क्रीन पर जो है पहरा दो देखिए। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें। ये उन्होंने पहले भी बताया है, जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्हीं को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद लास्ट में देखिए, आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेस। अनरिजर्व्ड जो हैं और जो EWS हैं या OBC हैं उनके लिए 1180 रुपये प्रति आवेदन है। जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं उनके लिए 826 हैं। और जो विकलांग अभ्यर्थी के हेतु केवल हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए ₹12 प्रति आवेदन है। ये लास्ट पेज है, देखिए इसमें लिखा है कि आवेदन संबंधी पूछताछ जो है हेल्प डेस्क, उन्होंने मेल आईडी दिया है जिस पर आप कोई भी आपको एप्लीकेशन से कनेक्टेड क्वेश्चन है तो आप उसमें उसका सॉल्यूशन ढूंढ पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं लास्ट में। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 19 अगस्त से 12 सितंबर तक डेट होगी और ऑनलाइन
फीस के लिए भी सेम डेट है 19 अगस्त से 12 सितंबर। उसके बाद एसबीआई चालान द्वारा जो है 19 अगस्त से 14 सितंबर। परीक्षा की संभावित अवधि जो है वो अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह। तो ये इसकी जो मैंने आपको मेन फीचर्स से मैंने बता दिए। जो भी लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग सीख चुके हैं सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी सितंबर इन्होंने लिखा है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो। आप एग्ज़ाम देंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप सोच भी रहे हैं और करना चाहें तो टाइपिंग को अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो डेट से पहले, फाइनल डेट से पहले, बंद होने से पहले जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दें। दैट्स ऑल। थैंक यू।